chapter 2 Bhagavad Gita. Now continue our discussion on verses 56-57. जिस समय श्री कृष्ण ने यह भी कहा था ना, कर्मणे वाधिकारस्ते, तब भी उन्होंने यही बात की थी, जो भी कर्म कर रहे हो उसमें पूर्ण हो जाओ, कोई भी भाग आपका ऐसा ना हो जो फल के पीछे भाग रहा हो। वर्तमान में पूर्णता, जो वर्तमान में पूर्ण हो गया, कोई परमात्मा कहीं बैठा नहीं है ऊपर, वर्तमान ही परमात्मा है। क्योंकि मैं खंडों में बटा हुआ हूं, मैं पूर्ण नहीं हूं, इसलिए मैं वर्तमान में ही परमात्मा को देख ही नहीं पाता हूं। वर्तमान ही परमात्मा है। ये मेरी खूंटी कि नहीं, जीवन वैसा ही होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूं, लेकिन जीवन कहीं और चल रहा है, तो एक मन तो जीवन के साथ चलेगा लेकिन दूसरे मन को मैंने खूंटी की तरह बांध दिया है। वैसे ही दुख को निर्मित कर रहा हूं मैं रोज रोज रोज। क्यों? क्योंकि एक मन मेरी अभिलाषा के हिसाब से, मेरी आकांक्षा के हिसाब से बंध गया है। यदि आपको किसी से प्रेम हो जाए, यदि आपको उससे प्रेम हो जाए, वो जो फर्स्ट पहला प्यार होता है ना, पहला प्यार जो पूर्ण प्यार होता है, उसके बाद सब कुछ अच्छा लगना शुरू हो जाता है। कैसे? क्योंकि आपने अपने खंडों को अखंड कर दिया, और अखंड करके प्रेम में डूब कर सडनली सब कुछ अच्छा लगता है। तो यदि भक्ति में वर्तमान में पूर्णता आ जाए, तो कृष्ण के दर्शन यही हो जाएंगे, इसी समय इसी क्षण।